नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम बी के न्यूज चैनल सच का साथ। इस वक्त खबर कुलचिका से आ रही है, जहाँ पर चिका भवानी मंदिर में नेक घर और भवानी मंदिर की तरफ से वैक्सीन कैंप का आयोजन। देखिए मंत्री जी, आज पिहोवा रोड चिका भवानी मंदिर में नेकी का घर और भवानी मंदिर की तरफ से वैक्सीन लगाने के दूसरे कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में वैक्सीन लगाने का कार्य सुबह 10 बजे किया गया। अमित सागर ने बताया कि नेकी कर घर और भवानी मंदिर दोनों संस्थानों ने मिलकर आज दूसरे कैंप का आयोजन किया। पिछले कैंप में लगभग 170 लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी। डॉक्टरों की टीम ने बताया गोहला चीका में लगभग 50% लोग अब तक वैक्सीन लगवा चुके हैं। रफीक खान ने बताया कि आज पहली वैक्सीन लगवाई गई है। पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था, पर आज मैंने बिना डरे वैक्सीन लगाई है। एक बार फिर बता दें, आज पिहोवा रोड चीका भवानी मंदिर में नेकी का घर और भवानी मंदिर की तरफ से वैक्सीन लगाने के लिए दूसरे कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में वैक्सीन लगाने का कार्य सुबह 10 बजे से किया गया। अमित सागर ने बताया कि नेकी का घर और भवानी मंदिर दोनों संस्थानों ने मिलकर आज दूसरे कैंप का आयोजन किया। पिछले कैंप में लगभग 177 लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी। डॉक्टरों की टीम ने बताया गोहला चीका में लगभग 50% लोग अब तक वैक्सीन लगवा चुके हैं। सागर जी, आज ये पेवा रोड पे कैंप लगाया गया, वैक्सीन कैंप, इसके बारे में बताइए। नमस्कार चाबा साहब, तो यहाँ पे आज नेकी घर और भवानी मंदिर समिति दोनों मिलके वैक्सीनेशन कैंप लगवा रही हैं। जो हमारा नेकी घर की तरफ से दूसरा कैंप है, और आप सभी से विनती है कि सभी डरने की कोई जरूरत नहीं है किसी भाई को भी। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, और अपने परिवार में जो भी भाई बहन रह रहा है जिसको अभी वैक्सीन नहीं लगी, वो आकर जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। तो जो कुछ दिन पहले कैंप लगाया गया था, उसमें कितने लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी? उसमें समथिंग 170 लोग के आसपास थे जिन्होंने वैक्सीनेशन लगवाई। मैम, आज ये पेवा रोड पर नेकी का घर की तरफ से दूसरा वैक्सीन कैंप लगाया गया है, इसके बारे में बताइए। हम ये पिछली बार पहला कैंप लगाया था, उसमें लोगों ने बड़ा उत्साह दिखाया। उन्होंने दोबारा अपने आप ही कैंप कहा कि हमारा दूसरा कैंप लगाया जाए। पिछली बार हमारे 170 लेकर इंजेक्शन 200 से ऊपर है टारगेट, जो कि महामारी को देखते हुए लोगों में उत्साह बहुत है। हमारे 50% एरिया कवरेज हो गया तक। रफीक खान जी, आज आपने वैक्सीन लगवाई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, लोग पहले तो कह रहे थे कि वैक्सीन लगाने से बीमार पड़ जाते हैं या बुखार वगैरह आता है, तो उससे मैं डर भी रहा था, लेकिन अभी मैंने वैक्सीन बिना किसी के लगवाई है। देखते हैं क्या असर होता है।